Good morning. Today our topic is electric field, the space around a charged particle in which electrostatic force of attraction or repulsion is experienced by the other charged particle is called electric field. It's called electric field. इसके अंदर क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल, ये जैसे कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, अब ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्सन होगी, वो डिपेंड करेगा कि दूसरा चार्ज है वो किस नेचर का है। नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगी। पर जरूरी नहीं है कि ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाए, कब जरूरी नहीं है कि अगर इसके रीजन से जहां तक इसकी रेंज है फोर्स लगाने की, अगर उससे बाहर है ये चार्ज पार्टिकल तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। ये कैपिटल क्या जो चार्ज लिया है ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। तो हम माने कि इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक पर्टिकुलर हम रीजन माने, एक दायरा हम कंसिडर कर ले कि यहां तक, एक रेंज कंसीडर कर लें कि यहां तक ये फोर्स लगाएगा। तो जैसे कि हम अगर माने कि ये इसके चारों ओर एक पर्टिकुलर रीजन है जहां तक ये चार्ज पार्टिकल फोर्स, दूसरे अगर इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये फोर्स उसके ऊपर लगाएगा। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम यहां कंसीडर करते हैं इस क्यू को, तो ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन के अंदर ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है। तो द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, फिजिक्स के अंदर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हम करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी होती है, हाइपोथेटिकल होती है टोटली, ऐसे मानी है हमने कि ये यहां इन लाइनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ओरिजिन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज हम फिजिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या टर्म और रिप्रेजेंट करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर ज्यादा होगी, इनकी जो नंबर है, इनकी संख्या है वो ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर अब इसके चारों ओर भी एक फील्ड है, इसके चारों ओर भी फील्ड है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज कंटिन्यूअस कर्व नहीं बनाती, जैसे कि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे नहीं आ रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है वो बनाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। कट क्यों नहीं करती, जैसे कि अगर ऐसे है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट हुई और यहां पर ऐसे इंटर करवा दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर दो डायरेक्शन आ जाती है। कहीं भी टेंजेंट ड्रा करें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो हमें बताएगी। तो जैसे कि ये अगर ये पहली वाली लाइन ये देखें तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये आएगी, और दूसरी लाइन ये जो लाइन है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। इस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गई जो कि इम्पॉसिबल है, तो ऐसा हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
वो क्या है? अभी हमने माना कि ये कुछ चार्ज पार्टिकल, जैसे कि प्लस क्यू, हमने चार्ज पार्टिकल ये मान लिया। इसके चारों ओर ये हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है, मान लो अगर मैं एक बार इसको एक काफी बड़ा चार्ज अगर मानू कि ये आपके पास माइनस क्या चार्ज है, बड़ा चार्ज है, तो इसके चारों ओर स्पेस होगा ये। इस चार्ज के फील्ड के अंदर कौन सा चार्ज आएगा? ये, और इसके अंदर ये आएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे? ये फोर्स लगाएंगे। अगर हम ऐसे कंसीडर कर ले, यहां पर आप एक बिल्कुल ही छोटा सा चार्ज कंसीडर करें, क्या नोड, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप कंसीडर करो। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड होगा वो बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब ये अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर आता है, जैसे कि अगर हम यहां पर इस चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेके आए और इसका ये फील्ड हो गया और ये कहलाएगा क्या नोड। क्या नोड इसका नाम हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये क्या करता है, ये है इसकी फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट करेगा, और ये क्या है, ये फोर्स लगाएगा, तो इसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज मींस जो फोर्स लगाता है, जो मेजर जो टर्म है फोर्स की, तो ये है आपके पास सोर्स चार्ज और ये है आपके पास टेस्ट चार्ज। ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका नाम है टेस्ट चार्ज, क्या नोड। जनरली हम इसको क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और यूनिट क्वांटिटी का लेते हैं प्लस वन। अब ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। अब बात ये है कि ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना इसके ऊपर है वो फोर्स लग रही है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर क्या है, सिंपली एक बार आप कूलम्स लॉ देखें, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0। दो चार्ज यहां पर, दो चार्ज कौन है, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज, दोनों का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, डिवाइड बाय इनकी बीच की डिस्टेंस, मैं मान लू आर है तो आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि फोर्स डिवाइड बाय ये टेस्ट चार्ज कर दे, क्या नोड, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज है वो